हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन एकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज के क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत लाइक रिसेंटली इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर करा था ब्रह्मोस मिसाइल को। भारतीय नौसेना का ये जो सफल परीक्षण रहा है ब्रह्मोस मिसाइल का, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ इन डिटेल हम जानेंगे द स्टोरी ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल। कहाँ से आया, कौन से पैक्ट साइन है, कहाँ हम किस कंट्री को, किस कंट्री से राधर ले और किस कंट्री को हम ये अगर सप्लाई कर रहे हैं फर्दर, एंड अलॉन्ग विद दैट वॉट आर द मेजर फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मिसाइल। अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो रिसेंटली न्यूज में क्यों था, क्योंकि इंडियन नेवी ने कैरी आउट करा था एक सक्सेसफुल प्रिसिशन स्ट्राइक अरेबियन सी में, जहां पे शिप द्वारा उन्होंने लॉन्च करा था ब्रह्मोस मिसाइल को विद जहां पे डीआरडीओ ने डिजाइन करा हुआ था इमैक्युलेटली एक इंडिजिनस सीकर और इसी के साथ साथ बूस्टर, ताकि रीइन्फोर्स कर पाए हिंदुस्तान का कमिटमेंट टुवर्ड्स द आत्मनिर्भरता इन डिफेंस। सो one obviously one prominent thing that the prime minister of india has been trying is ki hum self reliant kaise ho sakte hain defense mein, hamare liye kyun itna zyada zaruri hai ki defense mein jitna bhi import hota hai usko hum kaise rok paye, us paise ko bacha ke hum rather india ko hi self reliant aur aatmanirbhar kaise kar sakte hain, jahan pe swadeshi sadak aur boost yani indigenous seekers aur boosters dono ke dono hindustan mein hi bane gaye the। अब अगर हम बात करें ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की, किस चीज का ये जॉइंट वेंचर है, क्या क्या इसके की फीचर्स हैं, आइए डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की, तो ये एक जॉइंट वेंचर इंडिया और रशिया के बीच में है, जहां पे जितने भी हमारे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं उसको बनाया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि 2.8 मैक का स्पीड मेंटेन रहे, या फिर आप अगर हम कैलकुलेट करें या एक रिलेटिव स्पीड देखें तो हाउ मच वो 2.8 मैक भी जो लाइट का जो साउंड का स्पीड होता है उसका 3 गुना। सो दैट इज हाउ फास्ट द ब्रह्मोस टेस्ट फायर्स और उसका मूवमेंट होता है मिसाइल्स को। ब्रह्मोस मिसाइल्स का एक सबसे प्रोमिनेंट फीचर ये है कि आप इसको लॉन्च कर सकते हो फ्रॉम अ रेंज ऑफ प्लेटफॉर्म। आपको उसके लिए सिर्फ और सिर्फ लैंड की जरूरत नहीं होगी, बट फ्रॉम सबमरीन्स, फ्रॉम शिप्स, फ्रॉम एयरक्राफ्ट, फ्रॉम इवन अ मूविंग व्हीकल यू कैन लॉन्च इट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ मूविंग व्हीकल, आई डू नॉट मीन अ साइकिल और अ स्कूटर, बट ऑब्वियसली सबमरीन, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। ब्रह्मोस एयरस्पेस को डेवलप किया जा रहा है एक जो अगर हम ब्रह्मोस एनजी की बात करें, दैट इज अनदर कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर एज वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज अनदर कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ द मिसाइल जिसको डेवलप किया जा रहा है। अब ब्रह्मोस मिसाइल्स क्या है, कहाँ से आती हैं, किन दो नेशंस के बीच की कहानी है ये, तो ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज है 290 किलोमीटर की, जहाँ पे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है ये दुनिया की, एंड द टॉप स्पीड इज 2.8 मैक, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 3 गुनी स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा इसकी स्पीड है। ब्रह्मोस आती कहाँ से, फ्रॉम द नेम ऑफ टू रिवर्स, ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंड मोस्कवा इन रशिया। इन दोनों नदियों के नाम से कॉमन जोड़ के ब्रह्मपुत्र एंड मोस्कवा, वहां से वी हैव द ब्रह्मोस मिसाइल, जहां पे ये एक टू स्टेट सिस्टम के थ्रू काम करती है। तो पहला जो इसका पार्ट होता है वो एक सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन होता है इन द फर्स्ट स्टेज। सेकेंड फेज में ये लिक्विड स्क्रैम्बलेट इंजन की तरह वर्क करती है, एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, मतलब आप इसको कहीं से भी लॉन्च कर सकते हो विदाउट एनी कंसर्न ऑफ द फैक्ट कि लॉन्च कैसे हो पाएगी, काम कैसे करेगी। सो लैंड, एयर, सी, एंड इट इज अ मल्टी कैपेबिलिटी मिसाइल, जहां पे पिन पॉइंट एक्यूरेसी होती है, यू कैन एक्जैक्टली जीरो इन ऑन योर टारगेट एंड इट विल हिट इट इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर कंडीशंस, इरिस्पेक्टिव ऑफ डे एंड नाइट कंडीशंस। सो अर्थ की रोटेशन का, वेदर का भी इसमें कुछ इतना खासा फर्क नहीं पड़ता। अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें, ब्रह्मोस इज वन ऑफ दोस थिंग्स, फायर एंड फॉरगेट। आपने एक बार फायर कर दिया, मतलब द मोमेंट इट हैज बीन लॉन्च्ड, लॉन्च के बाद इसको कोई फर्दर गाइडेंस की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट लॉन्च द मिसाइल एंड लेट इट बी, आप इसको भूल सकते हैं एंड यू कैन टेक अ इजी नैप। बट हैविंग सेड सो, ऑब्वियसली द वेरी टेक्निकलिटीज ऑफ बिल्डिंग दिस मिसाइल वॉज नॉट इजी, और इसीलिए जब इस बार ब्रह्मोस को टेस्ट फायर किया इंडियन नेवी ने, अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक कदम था, बहुत ऐतिहासिक न्यूज है, क्योंकि इंडिजिनियस पार्ट इसमें थे जिसको टेस्ट किया गया है। ठीक है, अगर हम रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें विद रिस्पेक्ट टू द ब्रह्मोस, अप्रैल 2022 में एक एंटी शिप वर्जन आया था ब्रह्मोस का, जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल था। अगेन इट वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय द इंडियन नेवी एंड द अंडमान एंड निकोबार कमांड। जनवरी 2022 में एक एक्सटेंडेड रेंज आया था C2C वेरियंट का ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, विच वॉज अगेन टेस्ट फायर्ड फ्रॉम द स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल। अगर हम फोकस कर रहे हैं अबाउट किस पर्टिकुलर जगह से इसको फायर किया गया था, इट वॉज INS विशाखापट्टनम, जहां से स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल मोड में इसको फायर किया गया था। एंड व्हाई इज इट एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर हम डिस्कस करें, क्योंकि यूपीएससी में भी ना देयर वाज दिस क्वेश्चन इन द 2018 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो कि इसी न्यूज के अराउंड अगर आप बात करो इसी न्यूज से रिलेटेड था कि व्हाट इज थार, जो टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस का होता है, कई दफा हम न्यूज में सुनते भी हैं व्हाट इज इट,
इजरायली रडार सिस्टम है, इंडिया का इंडिजिनस एंटी मिसाइल प्रोग्राम है, अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है, या एक डिफेंस कोलैबोरेशन है जापान और साउथ कोरिया के बीच? मार्क द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड स्टे ट्यून फॉर मोर एट अन अकेडमी, जहां पे हम लोग सिर्फ ना ही वर्ल्ड ज्योग्राफी पर जितने भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विद रिस्पेक्ट टू आर्ट एंड कल्चर फ्रॉम द करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, उसको सबको डिस्कस करेंगे। आज की तरफ से मेरी क्लास में बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू सो मच। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन, एंड डू सब्सक्राइब टू अन अकेडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल। हैव अ फैंटास्टिक डे एवरीवन, एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड डे गाइस, थैंक यू सो मच।